स्नैक्स किसी भी वक्त किसी भी ओकेजन पर एकदम फिट बैठते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की मेहमान से, जो फैशन डिजाइनर भी रह चुकी हैं और आजकल अपने बेबी की वजह से थोड़ा सा बिजी रहती हैं, नहीं तो वो क्लासेस भी लेती हैं जैसे कि पेंटिंग हो गया, आर्टिस्ट्री हो गई। तो चलिए स्वागत करते हैं पूनम अत्री जी का। नमस्कार पूनम जी। नमस्कार, स्वागत है आपका रस्म रसोई में। थैंक यू। पूनम जी, आप एक फैशन डिजाइनर रह चुकी हैं, ठीक है, और अब आपकी 3 साल की बेटी भी है। हाँ जी। तो क्या आपने सोचा है कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसके लिए कपड़े डिजाइन करेंगी, या फिर अभी तो छोटी है? हाँ तो छोटे बच्चों के भी अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। हाँ हाँ, मैं अभी भी करती हूँ उसके लिए कपड़े डिजाइन। करती है? हाँ हाँ, बर्थडे पार्टी वगैरह के मैं अभी भी करती हूँ उसके लिए कपड़े डिजाइन, बड़े इंटरेस्ट से। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, अपने बेबी की ड्रेसेस बना रही हूँ, मेरे पास टाइम है कि मैं बना रही हूँ जी। तो अच्छा लगता है? हाँ हाँ, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। आपके लिए वो आपकी मॉडल हो गई? Yes, of course, definitely. Okay. पूनम जी, आज आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं? मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आज पीनट क्रंची। हमें ये पीनट क्रंची बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पहले वो बता दें। हाँ जी बिल्कुल, हमें चाहिए मूंगफली, चावल का आटा, बेसन, बेकिंग पाउडर, नमक, रेड चिली पाउडर और जीरा बारीक पिसा हुआ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे पापड़ के कुछ स्टेप्स भी रखे हुए हैं। तो बनाना शुरू करें, पहला स्टेप क्या होगा? पहला हम एक बाउल लेंगे जी, इसमें हम लेंगे आधा कप मूंगफली। ओके, डालें। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। आधा कप मूंगफली। ओके, 2 चम्मच चावल का आटा। 2 चम्मच चावल का आटा। ओके, ये क्रिस्पनेस के लिए। हाँ जी। ओके, 6 चम्मच बेसन। 6 चम्मच बेसन। ओके, बेसन भी डल गया। अब नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। ओके, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो बेकिंग पाउडर हमने करीब आधा चम्मच। हाँ जी, ठीक है। आधा चम्मच ही रेड चिली पाउडर। ओके, और ये बारीक पिसा हुआ जीरा भी आधा चम्मच। ठीक है, अब इस हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिला लेंगे, अच्छा सा स्मूथ सा कर लेंगे कि हमें फ्राई करने में इजी हो जाए। अच्छा ठीक है, तो इसका बेसिकली हमें एक बैटर बनाना है। हाँ। ओके, और इसमें पहले ही हम मूंगफली डाल देते हैं। हाँ जी। तो मूंगफली हम कोई भी यूज कर सकते हैं, या फिर जैसा आप यहाँ पे यूज कर रही हैं जो छिलके वाली मूंगफली है यही करनी है, या नॉर्मल जो बिना छिलके वाली आती है? हाँ, मार्केट नहीं, में नहीं, छिलके वाली ज्यादा टेस्टी लगती है। टेस्टी लगती है। ओके, तो नाम क्या है बेबी गर्ल का? अन्वी। अन्वी, अच्छा। तो अन्वी के लिए क्या क्या बनाती है, कुछ स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है? अभी तो फिलहाल काफी छोटी है। हाँ हाँ, बस स्पाइसी नहीं खाती, बाकी सब कुछ खा लेती है। तो इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो इस बैटर में अब बिल्कुल भी लम्स नहीं है। हाँ हाँ, राइट, ये हमारा पैटर्न तैयार है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमने अब इसे डीप फ्राई करना है। अच्छा ठीक है, चलें डीप फ्राई की तरफ। अब हम इसे एक एक करके डालेंगे, क्योंकि स्पून से तो डाल नहीं सकते, ये मिल जाएंगी, तो एक एक करके हमें इसको डीप फ्राई करना है। अच्छा, एक एक करके डालना है। हाँ। ओके, तो इस वक्त इसकी आंच कैसी रखनी है तेल की? आज इसकी बिल्कुल धीरे रखनी है, ताकि मूंगफली अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। पक जाए। ओके, तो इस तरह से हम ये मूंगफलियां सारी इसी में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमने सारी मूंगफलियां इसमें डाल दी। हाँ जी, अब इसे बस सिम पे थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। तो जब तक ये बाहर से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। हाँ जी, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। हाँ जी। ओके, अभी हमारे हो गए हैं गोल्डन ब्राउन कलर के। ठीक है, बिल्कुल तैयार है हमारे स्नैक्स, पीनट नट। हाँ जी, अरे वाह, काफी क्रिस्पी हो गया। मूंगफली के पकोड़े बना दिया आपने यहाँ पे। तो क्या हम इन्हें सर्व कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल तैयार हैं। ओके, ये लीजिए प्लेटर भी तैयार है, डाल दीजिए। आवाज से ही पता चल रहा है कि कितने क्रंची हैं ये। चलिए ये तो तैयार हो गए, अब नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप अब हमने ले लिया थोड़े से पापड़ भी, क्योंकि अकेला स्नैक्स अच्छा नहीं लग रहा, तो हम थोड़े से स्टेप में पापड़ काट के रखे हुए हैं जी, तो हम इसे भी डीप फ्राई कर लेंगे। ओके चलिए। ओके, तो नॉर्मल पापड़ जो घर में होते हैं, नॉर्मल पापड़ जो होते हैं। ठीक है, तो ये पापड़ भी हो गए फ्राई, अभी हमारे तैयार हो गए हैं पापड़ भी। अरे वाह, एकदम क्रिस्प हो गया। हाँ जी, ये आपने डिजाइन नया निकाला है सर्व करने का, तो इसे भी सर्व कर दूं? हाँ जी। ओके, ओके, तो पीनट क्रंचीज तो यहाँ पर तैयार ही हैं, साथ में क्रंची पापड़ भी तैयार है।
तो आपने इतनी ही देर में दो स्नैक्स यहाँ पर तैयार कर दिए, रेडी है सर्व करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल तैयार है। ओके चलिए, हमारे पास यहाँ पर दो गर्मा गर्म स्नैक्स तैयार हैं, जिनका मजा हम लेने वाले हैं गर्म गर्म चाय के साथ। अब बारी है आपकी, तो जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए, पीनट क्रंचीज। पीनट क्रंचीज बनाने के लिए आपको चाहिए मूंगफली आधा कप, चावल का आटा 2 छोटे चम्मच, बेसन 6 छोटे चम्मच, बेकिंग पाउडर 2 चुटकी, नमक स्वाद अनुसार, पिसी लाल मिर्च आधा छोटे चम्मच, पिसा जीरा आधा छोटे चम्मच, पापड़ 2, पानी आधा लीटर। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक बोल में मूंगफली, चावल का आटा, बेसन, बेकिंग पाउडर, नमक, लाल मिर्च, जीरा और पानी डालकर घोल बना लें। इस तरह डीप फ्राई करें और प्लेटर में निकाल लें। पापड़ को भी डीप फ्राई करके प्लेटर में निकाल लें। पीनट क्रंचीज तैयार हैं। अगर इन पीनट क्रंचीज में मिर्च थोड़ी कम कर दी जाए तो बच्चों के लिए एक आइडियल स्नैक है। वैसे भी कहा जाता है कि बच्चों को उनकी 1/3 कैलोरीज और एनर्जीज स्नैक से मिलती हैं।